लोकतंत्र का गला घुटते मैंने देखा है। मोदी के खिलाफ नहीं लड़ने दे रहे चुनाव। जीत यहाँ पे ये है कि हमारा नामांकन वहाँ पे दाखिल हो जाए, हमारी जीत है ये। मोदी के खिलाफ नहीं करने दिया नामांकन। देश का लोकतंत्र ये है कि वोटिंग मशीन पे नाम होना चाहिए, यहाँ पे नाम ही नहीं हो सकता। वाराणसी में कॉमेडियन श्याम रंगीला वर्सेस नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में रोड शो कर रहे थे। तीसरी बार मोदी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ कोई और चुनाव ना लड़ सके इसका इंतजाम भी किया जा रहा है। चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। मोदी की मिमिक्री करने के लिए मशहूर कॉमेडियन श्याम रंगीला को आज पीएम मोदी के खिलाफ नामांकन नहीं करने दिया गया। श्याम रंगीला का आरोप है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पूरा फॉर्म भरने के बावजूद उनका नामांकन स्वीकार नहीं किया। आपका नामांकन नहीं हुआ? हमारा क्या किसी का ही नहीं हुआ? नामांकन ले ही नहीं रहे हैं, किसी का नामांकन नहीं ले रहे हैं। गेट बंद कर दिया, 3 बजे गेट बंद कर दिया गया, उससे पहले किसी को अंदर घुसाया नहीं गया, बस इतना ही हुआ है। चुनाव आयोग बहुत ही परेशानियों के बाद भी बहुत मतलब मैं तो फिर भी कम परेशानियों में। मैं तो 12:30 बजे 1 बजे गया था वहाँ पे, मैंने तो उनको रोते हुए देखा जो सुबह 8 बजे वहाँ पे लाइन में लगे थे, उनको रोते हुए देखा हमने। जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे भी सवाल आप पूछ रहे हैं कि जो है 4 दिन में जो है किसी भी प्रत्याशी को जो फार्म नहीं मिल रहा, किसी प्रत्याशी को नामांकन नहीं हो पा रहा है। अधिकारी कह रहे हैं किसी निर्वाचन अधिकारी से, हम समझ रहे हैं अधिकारियों ने कह दिया, अधिकारी से भी आप लोगों ने पूछा था। लोकतंत्र का गला घुटते मैंने देखा है, हत्या भी नहीं हुई है, मैं कह रहा हूँ हत्या हो, हत्या तब होती है जब बिल्कुल खत्म हो जाता है, अभी गला घुट रहा है, गला घुटते मैंने देखा है। जो ट्वीट किया था उसको आप सच सामने मान? मेरे ट्वीट को झूठा ही नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ट्वीट में मैंने लिखा था पहले ये प्रस्तावक मांग रहे थे, मैंने ये बोला था, अभी प्रस्तावक हमारे पास थे, हम लेके गए थे, हमने बोला 13 मई को ले जाएंगे, सोमवार को हम लेके गए, फिर भी नहीं है, हमारी जीत यहाँ पे ये है कि हमारा नामांकन वहाँ पे दाखिल हो जाए, हमारी जीत है ये, हमारी जीत है, हमें वोट ना, हमें वोट चाहिए, हमें मोदी जी के वोट हमें चाहिए ही नहीं, जो मोदी के भक्त हैं मोदी की तरफ खड़े रहे, हमारे जो होंगे समर्थक वो हमारी तरफ खड़े रहेंगे, लेकिन देश का लोकतंत्र ये है कि वोटिंग मशीन पे नाम होना चाहिए, यहाँ पे नाम ही नहीं हो सकता, यहाँ पे नाम होने की जो प्रक्रिया है वो खत्म की जा रही है। अब क्या मोदी की बात करेंगे, मोदी के समर्थक क्या मोदी के भक्त, मोदी भक्त हैं निर्विरोध बनाएंगे मोदी जी को, यहाँ से मैं कह के जा रहा हूँ, यहाँ से मोदी जी का निर्विरोध बनना तय है, लोग नामांकन उठा लेंगे, पर्चा उठा लेंगे, मैंने बोला कि मैं नहीं उठाऊंगा किसी का पर्चा यहाँ पे, 3 बज गए एक भी कोई अंदर नहीं गया, सिर्फ अजय राय जी अंदर गए थे, बीच में आए थे वो, और वो अंदर गए और वो बाहर चले गए, उसके अलावा कोई नहीं गया, और हमारी आंखों के सामने जो रूम है उसके बाहर 3 लोग खड़े हुए थे वेटिंग में, वो तीनों लोग 2 घंटे तक खड़े ही रहे। इसके बाद में 3 बजे तक तो उन्होंने बोला पुलिस वालों ने सबने कि आप सहयोग कीजिए, आपका पूरा नामांकन होगा, जैसे ही 3 बजे गेट बंद हो गया बोल दिया कि आप जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि मैंने अपनी आंखों से लोकतंत्र की हत्या होते देखी है, हत्या हो ही रही है, ये मैंने अपनी आंखों से देखी है, अपने शरीर से महसूस किया है, वहाँ पे लोग रो रहे हैं, वहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे प्यार से बात कर रहे हैं, गुस्से से बात कर रहे हैं, फिर रो रहे हैं, पानी पीने को वहाँ पे नहीं है किसी के पास, भूखे लोग हैं, सुबह सुबह 8 बजे आए हुए लोग हैं, भूख लगी हुई है लोगों को, प्यास लगी हुई है, फिर भी बिना देखे वो लोग कह रहे हैं। एक बार सर ऐसे नहीं कह रहे हैं कि हम मेरा ले लीजिए नामांकन, कह रहे हैं सर 2 लोगों को तो अंदर घुसाइए, 2 लोगों को सर, एक को तो अंदर करिए सर, एक को ले जाइए सर, 3 घंटे हो गए एक भी नहीं गया कोई। तो कुल मिला के बात ये है कि नामांकन वामांकन जो भी प्रक्रियाएँ हैं वो सब जो है सोची समझी तरीक़ों से चल रही है कि किसका नामांकन लेना है किसका नहीं लेना है। और मैंने ये चीज़ देखी कि अंदर जो अधिकारी सब लोग खड़े हुए हैं सब मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कोई गुस्सा कर रहा है तो भी मुस्कुरा रहे हैं, आराम से प्यार से बात कर रहा है तो भी मुस्कुरा रहे हैं, मतलब वो मुस्कुरा रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनकी मजबूरी है, मजबूरी के अलावा कर ही क्या सकते हैं, मुस्कुराना उनकी मजबूरी है, कुछ तो उनके मन में भी आ रहा होगा देख करके। कुल मिला करके बात ये है कि आज का दिन 13 मई का जो दिन है हमारा, 10 मई का भी खराब गया था, 13 मई का भी खराब गया है, अब हमें ये नहीं पता है कि हम क्या करेंगे, लेकिन हमारा मन ये था कि 13 मई को नामांकन करेंगे, लोग कह रहे हैं हमारे पास प्रस्तावक नहीं है, अरे ये मेरे पास नहीं होंगे प्रस्तावक, ये लोग खड़े हैं इनके पास क्या प्रस्तावक नहीं है,
ये प्रस्तावक जो अंदर खड़े हुए सुबह से भूखे प्यासे क्या ये प्रस्तावक नहीं है? कोई दिमाग खराब है किसी का जो अंदर खड़े हुए बिना प्रस्तावकों के? तो मैं ये कह रहा हूँ, आप किसी भी पार्टी से हो, आप किसी के भी समर्थक हो, आप आंखें खोलिए, आप देखिए यार लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो देखिए आप प्लीज़। जो ठास के आवाज़ बंद हो रही है हमारी, लेकिन हम बंद होने नहीं देंगे। लोगों का प्यार मेरे साथ इतना है, लोगों का जोश और जुनून जो है ना वो मेरे साथ है, वो ताकत बन के मैं महसूस करता हूँ कि मेरे में ताकत है अभी भी। 14 तारीख का दिन हमारे पास है, हम जैसे तैसे प्रक्रिया करके 14 तारीख को मोदी जी नामांकन कर रहे होंगे, लेकिन हम भी पूरी कोशिश करेंगे, हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि 14 को नामांकन हो। तो आज के दिन की ये प्रक्रिया है, ये देशवासियों के सामने है। मेरा अगर नामांकन होता, मैं यहाँ पे 20 दिन बहुत कुछ करने वाला था, बहुत कुछ करता, मैं लोगों तक पहुँचाता अपनी आवाज़। लेकिन फिर क्या नामांकन नहीं होगा तो श्याम जी बनारस करोड़ छोड़ देंगे, बनारस से वापस चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? बनारस में तो हमने, मैंने पहले ही कहा था, जैसे मोदी जी ने कहा था ना कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, तो मोदी जी माँ गंगा ने हमें भी गोद लिया है, ठीक है? हम भी कोई गोद से निकाले हुए नहीं है, घर से निकाले हुए नहीं है कि माँ गंगा ने हमें निकाल दिया। तुम माँ गंगा के बेटे हो, हम माँ गंगा के पोते हैं। पोते हैं बस, आप हम लोग शपथ लेते हैं। गंगा अवतरित का दिन है, गंगा सप्तमी है, मोदी जी गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद काल भैरव का दर्शन करेंगे। भैया करें, मोदी जी को वो दिन मुबारक हो, मोदी जी को अपना दिन मुबारक हो, 14 अप्रैल 14 मई का। हमें तो ना तो 10 मई है हमारे लिए, हम तो ये ऐसा है कि अगर किसी भी समय हमारा अंदर पर्चा दाखिल हो जाता, हमारे लिए गंगा स्नान वही था, क्योंकि लोकतंत्र की जो गंगा है ना, वो वहाँ तो वो मेली कर रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं, वो अपवित्र कर रहे हैं, हमारे लिए वही गंगा स्नान था। उसके बाद और मेरे को 4 दिन हो गए आज वाराणसी आए हुए, मैंने कभी कोई मीडिया से बात नहीं करी, सबसे मेरी बात हो रही थी कि मैं आऊँगा बात करूँगा, नहीं करी। मैंने कहा एक बार नामांकन दाखिल हो जाए, ये प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद बात करूँगा, उसके बाद ही गंगा में स्नान करूँगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब 14 का दिन है, 14 को कोशिश करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, उसके बाद ही तय किया जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे। श्याम रंगीला सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की आवाज में मिमिक्री करने के लिए मशहूर हैं। वो अक्सर पीएम मोदी जैसी आवाज निकालकर ज्वलंत मुद्दों पर कमेंट्री करते हैं। पूरे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। मैंने 2019 में और 2014 में भी जब मैं प्रधानमंत्री बना था ये कहा था, ये भाजपा तो मेरी मां है, क्या मां की सेवा करना, क्या ये गलत बात है क्या? क्या मां की सेवा बिना बॉन्ड के हो सकती है क्या? प्यारे साथियों, मां की सेवा के लिए बॉन्ड की जरूरत होती है। परिवार, पूरा देश मेरा परिवार है, और परिवार की सेवा के लिए वोट की जरूरत होती है। बॉन्ड फॉर मां, बॉन्ड फॉर भाजपा, वोट फॉर मोदी, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर परिवार। और इसलिए मैं तो यही कहूंगा, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, EBI इलेक्टोरल बॉन्ड फॉर इंडिया। साथियों, पूरा देश मेरा परिवार है। श्याम रंगीला कह रहे हैं कि वो बस पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर देखना चाहते हैं, लेकिन ये हैरान करने वाला है कि चुनाव आयोग के अधिकारी पीएम मोदी के खिलाफ किसी और का नामांकन स्वीकार ही नहीं कर रहे। अगर ये आरोप सही है तो तुरंत चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। सवाल उठता है कि लोकतंत्र के पर्व में किसी को चुनाव में हिस्सा लेने से भला कैसे रोका जा सकता है? इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।